हेलो बच्चों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि कृषि सब्जेक्ट को हम क्यों चूज करें, क्यों सिलेक्ट करें या क्यों इसका चयन करें, क्यों ना मैथ को सिलेक्ट करें, क्यों ना बायो को। जैसे कि आप मैथ पढ़कर इंजीनियर बन सकते हैं, बायो पढ़कर आप डॉक्टर बन सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बो है एग्रीकल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ है कृषि। कृषि आप पढ़कर डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। अन्य भी जगहों पर इसकी स्कोप होती है, बैंक में, कैन सुपरवाइजर में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, इफको में, क्रिप्को में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं इत्यादि, काफी इसकी स्कोप है। तो जैसा कि आप अपने दैनिक जीवनचर्या में या आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपने आसपास के एनवायरमेंट के चारों तरफ एक बार पलट कर देखिए, क्या आप कृषि से दूर हैं? कृषि से दूर बिल्कुल नहीं है। जितने भी आपके इर्द गिर्द दिख रहा है, सर्वप्रथम आप अपने रोटी को लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, रोटी। रोटी आपका कहां से आता है? खेत से आता है। खेत किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। जब खेत में उत्पादन नहीं होगा गेहूं की, तो रोटी आपको खाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए आपका आता है कपड़ा। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें होती हैं। तो आपका कपड़ा आ गया, तो कपड़ा किससे बनता है? रेशम से। रेशम का पौधा, सेरीकल्चर के माध्यम से आपका कपड़ा बनता है, तो वो क्या है? आपका एग्रीकल्चर, कृषि है। फिर अब आपका आता है मकान। तो जिस मकान को आप बनाते हैं उसका बेसिक क्या होता है? उसका बेसिक होता है ईंट। वो ईंट किससे बनती है? मिट्टी से। वो लैंड क्या है? एग्रीकल्चर। आप दूध पीते हैं, गाय भैंस, ये हमारा आपका आ जाता है पशुपालन विभाग में। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसीम इत्यादि सब आपका आ जाता है एग्रोनॉमी में। फल, फूल, सब्जियां, ये आपका आ जाता है उद्यान विभाग में। तो क्या आप कृषि से दूर हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कृषि को सम्मान दीजिए, यह एक सम्मानजनक विषय है। अब हम आपको बात करते हैं कुछ इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पार्ट वन, यानी इंटर फर्स्ट ईयर वाले जो भी छात्र हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट यानी विषय, कौन कौन से विषय पढ़ना है और किस किस टॉपिक से उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास नोट्स में कलेक्ट करने हैं। तो सर्वप्रथम आपका आता है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या आता है? एग्रोनॉमी में पढ़ने के लिए धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना इत्यादि, सूर्यमुखी, ये सब आपका एग्रोनॉमी में पार्ट वन में आ जाता है। एक आपका हो गया सस्य विज्ञान, जिसका हम जिक्र करते हैं सीरियल्स में। चूंकि अब नेक्स्ट आता है आपका कृषि वनस्पति विज्ञान। कृषि वनस्पति विज्ञान, आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द जो भी हरी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो आपका वनस्पतिक है, वो आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। कृषि यानी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? क्लाइमेट विज्ञान, आया वर्ड क्लाइमेट विज्ञान, क्लाइमेट विज्ञान जो है, क्लाइमेट साइंस, उससे क्या आप एग्रीकल्चर में उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि मानसूनी हवाएं किस तरफ से किस साइड चलती है, विंड वेन के माध्यम से हमको पता चल जाता है। फिर बारिश कब होने वाली है या सूखा कब पड़ने वाला है इत्यादि आपका जलवायु विज्ञान से, फिजिक्स से आपका इवेल्यूशन हो जाती है। फिर आपका आता है कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण यानी कृषि योग्य, कृषि करने हेतु कौन कौन से हम यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे आपका खुरपी, फावड़ा, हसिया, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटेटेवेटर, तवा, पटेला
इत्यादि इसका हम उपयोग करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी। कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है एग्रीकल्चर में? इसका इंपॉर्टेंट रोल बहुत होता है। और क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल, वो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार आप कोई भी लैंड दिया हुआ हो, कोई भी भूमि आपको दी हुई, उसको मापन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो मैथ का ही तो उपयोग करेंगे। ठीक, और जैसे कि खाद, एक हेक्टेयर फील्ड में कितना आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेड करना है इत्यादि को मापने के लिए आपका कृषि गणित है। इसकी पुस्तकें ज्यादा मोटी नहीं होती हैं, इसकी पुस्तकें बस ये रही मेरी इंटर फर्स्ट ईयर की बुक कृषि प्रारंभिक गणित तथा सांख्यिकी, ये रही हमारी बुक जिसे मैं पढ़ता था। और इसको कौन सी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए सुटेबल रहेगी, वो है भारत भारती पब्लिकेशन और एक और है एचएम पब्लिकेशन। एचएम पब्लिकेशन मैंने पढ़ी थी, इसी को पढ़कर मैंने बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर में टॉप किया था। ठीक, उसके बाद आपका आता है इससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके परीक्षाओं में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? तो सर्वप्रथम आपका आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें 50-50 का रेशियो होता है। 50-50 का रेशियो क्या होता है? 50 मार्क्स का यानी 50 नंबर का आपका ऑनली प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर का आपका थ्योरी होता है एग्जाम्स पेपर जिसका, जैसे कि इसका इंटर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों साल ही बोर्ड जाता है, सेंटर जाता है दूसरे कॉलेज में, जिसमें 50 नंबर आपके कॉलेज से मिल जाते हैं और 50 नंबर में आप जितना स्टडी गेन किए रहेंगे वो सब आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, वहां से आपको मार्किंग कलेक्ट करनी पड़ती है। चलिए ठीक, 50 नंबर का रेशियो आपका हो गया। ठीक, इसमें भी 50 नंबर प्रैक्टिकल और 50 नंबर थ्योरी आपका कृषि वनस्पतिक विज्ञान में भी, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का भी यही सिचुएशन है, 50-50 का रेशियो है, 50-50 का इसमें भी रेशियो हो जाता है आपका। यहाँ पर देखिएगा लाइट पड़ रही होगी लेकिन 50-50 का। फिर आपका इंजीनियरिंग में भी वही सेम। और लास्ट में आता कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी, इसका बस ऑनली पेपर थ्योरी का पेपर होता है, ऑनली 50 नंबर का। ठीक, आपका कितना हुआ? 50-50, 100-200। ढाई सौ का आपका आली लिखित पेपर हो गया, प्लस 200 का आपका प्रैक्टिकल हो गया, जिसमें 200 में से आपको अगर कॉलेज से 40-45 मार्क्स आराम से कलेक्ट हो जाते हैं, वहां के टीचर्स प्रैक्टिकल में इतना दे देते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अच्छे मार्क्स से, और इसमें हाईएस्ट परसेंटेज भी उठने के चांसेस होते हैं। आपको 50% मार्क्स आपके कॉलेज से मिल गया और 50% में आपको फाइट करके अच्छे लेवल पर पहुंचना होता है। ठीक, आपका 450 मार्क्स का पार्ट वन में होता है और फिर टोटल का काउंट करके आपका बनता है 1000 का पूर्णांक। अब बात करते हैं पार्ट टू के, फाइनल ईयर की बात हम कर रहे हैं। तो फाइनल ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो है सर्वप्रथम आपका एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान पार्ट टू यानी भाग दो एग्रोनॉमी। इसी एग्रोनॉमी को हम उद्यान विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भाग दो वाला आपका है सब्जेक्ट यानी विषय, उसमें फल फूल तथा सब्जियों की वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ठीक, इसलिए इसको हम उद्यान विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चल के एग्रीकल्चर डिवाइड हो जाता है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज इत्यादि में आपका बढ़ जाता है,
इसलिए यह आपका उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का, तो इसका महत्व है मार्केटिंग में। जैसे कि आपने प्रोडक्शन कर लिया सीरियल्स क्रॉप या फ्रूट्स क्रॉप या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, उसको आप ले जा रहे हैं मांग मार्केट में सेलिंग के लिए। तो जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी वस्तु कम है और उसकी महत्वपूर्ण महत्वता ज्यादा है तो उसका रेट हाई होगा, ये मांग का लोच का नियम है। और जब भी कोई वस्तु मार्केट में अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी तो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी वही रहेगा बट उसकी महत्वता घट जाएगी, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में है, उसका जो मांग का लोच का नियम यही होता है, उसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, उसकी वैल्यू या मूल्य कम हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र आपका डिनोट करता है। या फिर कोई आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री खोल दिए, वो भी आपका बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये आपका इंपॉर्टेंस ही देता है। फिर आपका आता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है आपका, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस या महत्वता है, इससे ये पता लगता है कि जीवों सजीवता है या निर्जीवता है। फिर आपका आता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। जैसे कि आप बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आता है बीएससी में, बायोकेमिस्ट्री, वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, वहां पर इसकी महत्वता पता चलती है। किस कंटेंट को मिलाकर क्या हम प्रोड्यूस करें इत्यादि को ये आपका दर्शाता है। फिर आपका आता है कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो कृषि पशुपालन के अंतर्गत क्या आता है आपका, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी अंडा इत्यादि, ये आपका कृषि पशुपालन के अंतर्गत आ जाता है। और पशु चिकित्सा विज्ञान, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ करके पशु चिकित्सा बन सकते हैं, ठीक। और आपको एक बात और बता दें, यह है आपका पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक। यह भी पुस्तक आपकी ज्यादा मोटी नहीं है, पढ़ने में आसानी है और यह पुस्तक से 100 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग इंटर की सारी बुकें, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों की बुकें इतने ही मोटी होते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है आपका, ठीक। और माध्यम इसका हिंदी होता है। फिर आपका आ गया लास्ट में, एट लास्ट ये अनिवार्य सब्जेक्ट है जो है आपका हिंदी। हिंदी सभी लोगों को पढ़ना अनिवार्य होता है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, हिंदी पढ़ना इसलिए अनिवार्य है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, ठीक। आपका ये जो सस्य विज्ञान पार्ट टू हो गया, इससे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क के यानी 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 आपका प्रैक्टिकल और 50 आपके थ्योरेटिकल, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 50 जो मार्क के थ्योरी वाले पेपर होते हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी बहुविकल्पी। फिर अति लघु यानी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उससे लघु यानी 100 वर्ड के पूछे जाते हैं। फिर आपका लास्ट आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी ब्रीफ क्वेश्चंस। इतने प्रकार के आपके क्वेश्चंस पैटर्न बोर्ड में पूछे जाते हैं और इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में बोर्ड जाते हैं। होम सेंटर से आपके 50% मिल जाते हैं और नॉन सेंटर के आपके मिल जाते हैं 50% जो आप तैयारी किए रहते हैं, ठीक। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है आपका, ये भी 50% का बनता है, 50-50 का रेशियो से बनता है, 50-50 का रेशियो से आपका जंतु विज्ञान भी बनता है, और 50-50 के रेशियो से आपका केमिस्ट्री भी बनती है यानी रसायन विज्ञान, 50-50 के रेशियो से आपका ये भी बनता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, और हिंदी से मात्र 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके कितने हुए, 100, 200, 250 plus 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 कैसे, 100, 200, 300, 400, 500, 550 यानी सॉरी 300 से 250 300 जो आपका मार्क बनता है, ये बनता है आपका थ्योरी, और प्रैक्टिकल का जो बनता है वो 250 का मार्किंग को बनता है, जिसमें से आपको 220 या 210 प्लस आपको मिल जाते हैं होम बोर्ड से यानी जहां से आपने एडमिशन लिया हुआ है। फिर आपका हो गया 550 प्लस इंटर फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चंस जितने मार्किंग बनते हैं उसका पूर्णांक क्या होता है, वो होता है आपका 450 यानी आपका हो गया 1000 का पूर्णांक बनता है टोटल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला करके, तब आपका एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है इंटर फाइनल का। इसके बाद जब आप तैयारी आगे के लिए करेंगे तो आगे के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक, यूपी कैडेट की तैयारी किस प्रकार से करना है और कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इत्यादि, और बाकी जो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से या कॉलिंग से, जैसे भी आपको सुविधा लगे, ठीक। बाकी इन सब्जेक्टों को, इन विषयों को पढ़ना है, इसमें से सस्य विज्ञान पार्ट वन और पार्ट टू दोनों हम पढ़ा चुके हैं, फिर आपका कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान भी फाइनल कर चुका हूं, तीन सब्जेक्ट आपका फाइनल कर दिया हूं, और इसके एक ही वीडियो में पूरी बुक भी खत्म कर दूंगा, एक ही वीडियो में, ज्यादा समय नहीं लूंगा उसमें, एक ही वीडियो में पूरी बुक भी खत्म कर दूंगा एट ए ग्लांस के रूप में, ठीक। तीन सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर आप पढ़ेंगे कृषि प्रारंभिक एवं गणित एवं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू क्लास।